पदां सदन दलिता श्री विशाखान्विता श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशदी गौरभक्तवृन्द श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवाशदी गौरभक्तवृन्द श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशदी गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राधा पार्थ सारथी राधे जय राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय गौरानिताय गौरानिधाय गौरानिताय जय गौरानिताय जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदे गौर भक्त वृंद Mm-hmm.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा श्रील प्रभु पदा जय प्रभु पदा श्रील प्रभु पदा प्रभु पदा श्रील प्रभु पदा जय जय प्रभुपा जय श्रील प्रभुपा जय जय प्रभुपा जय श्रील प्रभुपा जय प्रभुपा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा
Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Shri Guru Chana Padma Kevala Bhaka Tisanma. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma. Bandho Mui Savanana Mate. Bandha Mui Savadana Mate. Yahara Prasade Bhai Ebhava Toriyayai. Yaya prasade bhai eva vaturiyaya. Krishna prapti hoya hoite. Krishna prapti hoi ya hoite. Guru mukha padma vakya kiti te kuriya ya. Guru Mukha Padma Vakya Chitete Kuriya Kya. Arana Kriyo Mane Asha. Arana kuriyo mane asha. Shri Guru charane rati eise uttama gati. Shri Guru Charane Rati Eise Uttama Gati. Ye Prasade Pure Sarva Asha. Ye prasade ure sarva asha. Chakshudan diriyoye jalme jalme prabhu sahe. Chakshudan diriyoye
जन्मे जन्मे प्रभु से देवी ज्ञान हृदय प्रकाशित देवी ज्ञान हृदय प्रकाशित में भक्ति आज अभी अभिनाशय से में भक्ति आज अभी अभिनाशय से मेरे गए यार चरित मेरे गए यार चरित श्री गुरु करुणा से आदम जनारा बंधो श्री गुरु करुणा से आदम जनारा बंधो लोकनाथ लोकेरा जीवाना लोकनाथ लोकेरा जीवाना हा प्रभु करो दया दे मोर परिचय हा प्रभु करो दया दे मोर परिचय एबे आई दुख जीवाना एबे आई सुख जीवाना श्री गुरु करुणा सिंधु आदम जनारा बंधो श्री गुरु करुणा सिंधु आदम जनारा बंधो लोकनाथ लोके जीवाना लोकनाथ लोके जीवाना प्रभु को दया दे मोर परिचय प्रभु को दया दे मोर परिचय हे दया सुख जीवाना प्रभुपाद पति दे पवाना प्रभुपाद पति दे पवाना जय प्रभु परा प्रभु परा जय प्रभु परा जय प्रभु परा प्रभु परा जय प्रभु परा जय प्रभु परा प्रभु परा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय ओ प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यादेशतारिणे
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Shri Advaita Radha Shivashadi Gaur Bhaktivedanta Jai Shri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaur Bhaktivedanta Jai Shri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaur Bhaktivedanta Jai Shri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaur Bhaktivedanta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Goranga, Nitai Goranga. Nitai Goranga, Nitai Goranga. Nitai Goranga, Nitai Goranga. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana. Jai Sachinandana, Gaur Hari. Jai Sachinandana, Gaur Hari. Jai Radha Parsadi Radha Parsadi Radhe Jai Radha Parsadi Radha Parsadi Radhe Jai Sita Ram Lakshmana Sita Ram Lakshmana Uma Hai ba, hai ba, hai ba, hai ba. Hai ba, hai ba, hai ba, hai ba. Jai Gaur Hari Bol, hai ba,
हरे बाय हरे बाय हरे बाय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे hare krishna 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 hare 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 rama hare rama 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 hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Nama Krishna Yadavaya Nama. 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 Yadavaya Bhagavaya Keshavaya Nama. Yadavaya Bhagavaya Keshavaya Nama. Gopala Govindanam Srimadasudha. Gopala Govindanam Srimadasudha. Giridhari Gopinatha Madana Moha. Giridhari Gopinatha Madana Moha. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Sita. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Sita. Hare Guru Vaishnava Bhagavat Gita. Hare Guru Vaishnava Bhagavat Gita. Sri Rupa Sanatana Bhatara Guna. Sri Rupa Sanatana Bhatara Guna. Sri Jiva Gopala Bhatara Raguna. Sri Jiva Gopala Bhatara Raguna. Hare Hare Nama Krishna Yadavaya Nama. Hare Hare Nama Krishna Yadavaya Nama. Hare Hare Nama Krishna Yadavaya Nama. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Hare Hare Nama Krishna Yadavaya Nama. Hare Hare Nama Krishna Yadavaya Nama. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Radha Parvati, Radha Parvati, Radha. Hai Ba, Hai Ba, Hai Ba, Hai Ba. 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 Yaso mati nandana braja varo jagana gokula ranjana kana Yaso mati nandana braja varo jagana Gokula Ranjana Kana Gopi Parana Dhana Madana Manohara Gopi Parana Dhana Kaliya Damana Vidhana Kaliya Damana Vidhana Amala Hari Nama Miya Vidasa Amala Hari Nama Miya Vilasa Vipinna Purandhara Navarina Karama Bhansi Badan Suvasa Vipinna Purandhara Navarina Karama Bhansi Bada Suvasa Braja Jana Pan Sura Kulana Sana Braja Jana Pan Sura Kulana Sana Govinda Madhava Namanita Taskaran Govinda Madhava Namanita Taskaran Sundara Nanda Gopala Sundara Nanda Gopala Yamuna Tataja Gopi Basanara
जपना गोपी बसाना नंद गुदान रखो रास रसिका कृपा बोया शीरा दबा बृंदावन शीरा दबा बृंदावन भाति विनोद यशोमती नंदन ब्रज बरन गोकुल रंजन काना गोपी परान मदन मनोहर Amara Hari Nama Miya Virasa Govinda Madhava Navanita Tatsara Bhakti Vinoda Shraya Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey bo, 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 hey bo. Hai bo, hai bo. Jai Om Shri Parmananda Swami Shri Abhayachandra Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada Maharaj ki Shri Prabhupada ki Jai Om Shri Parmananda Swami Bhaktivedanta Saraswati Goswami Prabhupada Maharaj ki Ananda Koti Vaishnavinda ki Is Karmana Chari Shri Prabhupada ki Ramacharya Shri Haridas Thakur ki Prem se Goswami Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Shri Gaur Bhaktivedanta ki Shri Shri Radha Krishna Gopina Shambhuna Radha Kunda Giri Gaurdhan ki Vrindavan Dham ki Mayapur Dham ki Ganga Mai ki Jamuna Mai ki Tulsi Devi ki Bhakti Devi ki Samveda Bhaktivedanta ki Gaur Premananda All glory Shri Simhan Kursi All glory Shri Simhan Kursi All glory Shri Simhan Kursi All glory Shri Gopala Bhattar Goya Swami ki Ramchandra Kaviraj ki All glory Shri Guru and Shri Guru श्री गुरु वंदना कृपया मेरे साथ पढ़ें हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन हैं जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूं उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करो उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है वे मेरे बंद अंगों को खोलते हैं और मेरे तथा मेरे दिव्य
जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं, वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं, वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने श्री चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यह तीनों लोगों में फैला हुआ है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की। हरे हरे कृष्ण। जे अनिलो प्रेमा धना करुणा प्रचुर, जे अनिलो प्रेमा धना करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कथा गेला आचार्य ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनाता, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावा, कहाँ मोरा भट युग, कहाँ कबीरा, एका काले कोथा गेला गोरा नटराज, पाषाण कुटीब माथा आनाले पाशिब, गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पाबो, से सब संगीरा संगे जय कोलो बिला,
से संगा न पाइया कांदे न रोता मोदास जे अनिलो प्रेमा धना करुणा प्रचुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय ओम विश्वमाल परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद्वाइंग्रे सभय सुनार्पण भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। शिल गोपाल भट्ट गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिल रामचंद्र कविराज तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। अनंत कोटि वैश्ववृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र कविराज त्रिभाव तिथि महामहोत्सव की जाए। शिल गोपाल भट्ट गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जाए। तो रामचंद्र कविराज नरोत्तम दास ठाकुर के प्रिय मित्र थे और चिरंजीव सेन जो कि महाप्रभु के परिकर थे उनके सुपुत्र थे। श्रीखंड में उनका आविर्भाव हुआ था। श्रीखंड गए आप में कितने बद गए। श्रीखंड एक है गुजरात में मिलता है जो श्रीखंड वो खाने वाला श्रीखंड नहीं एक स्थान है श्रीखंड। नरहरि सरकार ठाकुर वहाँ रहते थे। श्रील लोचन दास ठाकुर भी वहीं रहते थे और वहीं पे श्रील रामचंद्र कविराज का आविर्भाव हुआ। श्रील रामचंद्र कविराज के बारे में बताया जाता है कि बड़े गंभीर व्यक्ति थे। बड़े गंभीर अत्यंत सुंदर अत्यंत प्रतिभाशाली विद्वान और बहुत उत्साहित और शक्तिशाली ऐसा बताया गया उनके बारे में। तो रामचंद्र कविराज उनकी पत्नी का नाम था रत्नला। हालांकि उनकी कोई संतान नहीं थी और पूर्ण रूपेण महाप्रभु की सेवा में लगे थे। महाप्रभु की प्रेममय सेवा में लगे रहे थे और अपने गुरुदेव श्रील श्रीनिवास आचार्य की उन्होंने बहुत सेवा की समर्पित भाव से। और वृंदावन में श्रील जीव गोस्वामी ने उनको ये उपाधि दी थी कविराज की। हमें ज्ञात है कि श्रील जीव गोस्वामी उस समय के जो दिग्गज वैष्णव आचार्य गण होते थे उन सबको उपाधि दिया करते थे सम्मानित करते थे उपाधियां देकर।
श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, श्यामानंद प्रभु, दुखी कृष्णदास, कृष्णदास बने और फिर श्यामानंद प्रभु, और इसी तरह से रामचंद्र कविराज, तो ये सब उपाधियां शिला जी गोस्वामी के द्वारा दी गई। तो लेकिन कविराज बाद में, कविराज का मतलब ये भी है कि जो कविता में दक्ष है, कवि है अपने आप में, लेकिन बाद में कविराज जो है वैद्य को जो बुलाया जाता था, वैद्य है उनको भी कविराज कहते थे। लेकिन रामचंद्र कविराज ये उपाधि मिली थी उनको शिला जी गोस्वामी के द्वारा, कविराज की उपाधि। और ये बताया जाता है उनके बारे में, उनके बारे में बहुत सुंदर श्लोक आया गया, प्रकाशिला महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र। महाप्रभु ने क्या प्रकाशित किया है? हरे कृष्ण मंत्र। प्रेमेर बदर कोरी भुरीला संसार। और इस तरह से ये जो प्रेम है हरि नाम के द्वारा जो वितरण हुआ, कृष्ण प्रेम, प्रेम धन, वो क्या करेगा? हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बचाएगा, अधो लोकों से बचाएगा और नर्क जाने से बचाएगा। और इस तरह से ये हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में, और इस तरह से ये हरिनाम हमें क्या देगा? राधा माधव की दिव्य प्रेमय सेवा का आस्वादन करने का हमें मौका देगा ये हरिनाम। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई व्यक्ति अंधा हो या कोई व्यक्ति गूंगा हो, सब लोग इस प्रेम में डूब जाएं। कृष्ण प्रेम की जब बाढ़ आएगी तो सब लोग डूब जाएंगे, उसमें ये विचार नहीं किया जाएगा कि कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है। जब बाढ़ आती है तो फिर ये नहीं विचार किया जाता है कि कौन बड़ा व्यक्ति है कौन छोटा व्यक्ति है। बाढ़ तो सबके लिए एक समान होता है। वर्षा ऋतु में जब बरसात होती है वो बरसात सबके लिए एक समान होता है। सूर्य का जब प्रकाश फैलता है, सूर्य का जो प्रकाश है वो सबके लिए एक समान होता है। ऐसा नहीं कि गरीब के घर में सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा, केवल अमीर के घर पे ही जाएगा प्रकाश सूर्य का, ऐसा नहीं होता है। तो सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, वर्षा ऋतु सबके लिए है। और इस हिसाब से यहाँ पर कृष्ण प्रेम हरि नाम ये प्रेम धन जो है सबके लिए है। कोनो जाति नहीं कोनो भेद नहीं, कोई जाति नहीं कोई भेद नहीं, बिना किसी भेदभाव के दिया जाएगा सबको, कृष्ण प्रेम दिया जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु बड़े दयालु हैं, बहुत दयालु हैं, और वो अमृत प्रदान कर रहे हैं। इस हरे कृष्ण महामंत्र का अमृत हमें प्रदान कर रहे हैं तो उसको हमें स्वीकार करना है। और लेकिन ये बता रहे हैं कि रामचंद्र कविराज अपने लिए बोल रहे हैं कि बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ मैं, आई एम सो अनफॉर्चुनेट दैट आई कुडंट इवन टेस्ट अ ड्रॉप ऑफ दैट नेक्टर, उस अमृत बिंदु का मैं आस्वादन नहीं कर पाया हूं अभी तक। दुर्दैव मिदृशम यहा जनी नानुरागः। आपने अपने नामों में सारी शक्तियां भर दी हैं, नाम लामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मिदृशम यहा जनी नानुरागः। कोई अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाया, आपने अपने नामों में सारी शक्तियां भर दी हैं, लेकिन दुर्भाग्य है मेरा कि कोई अनुराग ही नहीं है। हरि नाम की इतनी अगाध महिमा मैंने सुन ली है, उसके बावजूद भी इस प्रेमामृत का नामामृत का मैं आस्वादन नहीं कर पाया हूं अभी तक, इसका क्या कारण है? रामचंद्र कविराज, इसलिए कई कविराज हुए हैं, गोविंद कविराज, रामचंद्र कविराज, कृष्णदास कविराज, बहुत सारे कविराज हुए हैं, ऐसे 8 कविराज हुए हैं, उसमें से श्रीनिवास आचार्य के शिष्य हैं ये रामचंद्र कविराज। और श्रीनिवास आचार्य किसके शिष्य हैं? गोपाल भट्ट गोस्वामी के। तो दोनों एक ही परंपरा में हैं। तो इस तरह से रामचंद्र कविराज ने कई ग्रंथ लिखे हैं, स्वर्ण दर्पण, स्वर्ण चमत्कार, सिद्धांत चंद्रिका, और उन्होंने कई लोगों को, कई भक्तों को दीक्षा भी दी उन्होंने। और नरोत्तम दास ठाकुर जो है उनके प्रिय मित्र थे। नरोत्तम दास ठाकुर ने भजन में लिखा है, दया करो श्रियाचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संगा मांगे नरोत्तम दास। तो नरोत्तम दास ठाकुर का लिखा हुआ है, रामचंद्र कविराज उनके मित्र हैं, हालांकि देखा जाए तो उनके शिष्य तुल्य हैं। लेकिन वैष्णव समाज में कई बार क्या होता है, जो शिष्य तुल्य भी होते हैं वो भी मित्र हो जाते हैं। तो ये तो आध्यात्मिक जगत में तो कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि वो आध्यात्मिक धरातल पर है,
और आध्यात्मिक धरातल पर जाएंगे तो वहां फिर क्या है, कोई भेद नहीं, वहां तो फिर सभी कृष्ण के सेवा में, प्रेममय सेवा में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार जो है यहां बताया गया है कि कर्ण मंजरी, एक जगह हमने पढ़ा था करुणा मंजरी, लेकिन लगता है कर्ण मंजरी ही ठीक लग रहा है। ब्रज लीला में राधा रानी की सेवा में रथ, राधा कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं ब्रज लीला में। और धीर समीर, धीर समीर जानते हैं कहां पे है, वृंदावन परिक्रमा मार्ग में धीर समीर आता है। जब परिक्रमा मार्ग में आप प्रवेश करते हो तो बाईं तरफ वहां श्रीनिवास आचार्य की समाधि है और उसी स्थान पर रामचंद्र कविराज की भी समाधि है। धीर समीर नहीं देखा, धीर समीर, चलिए जब वृंदावन जाएंगे अगली बार तो दिखाएंगे आपको। वृंदावन परिक्रमा मार्ग में जब प्रवेश करते हैं तो बाईं तरफ वो है धीर समीर आता है, मंदिर के पास है, नहीं वहां जब पहुंच जाते हैं वो जो भगवान वराहदेव का मंदिर है जहां पर गौतम ऋषि का आश्रम, वहां से दाएं मुड़ते हैं और आगे चलकर थोड़ा बाईं तरफ गौशाला से पहले आ जाता है। तो आज बहुत शुद्ध पवित्र दिन है क्योंकि आज श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव दिवस है। गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। तो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जो कि श्रीनिवास आचार्य के गुरु थे, श्रीनिवास आचार्य ने तो बहुत सुंदर षट गोस्वामी अष्टकम लिखा है। सबको अष्टकम याद होना चाहिए, याद है आपको? क्यों? तो हमें याद करना चाहिए सब अष्टकम जो कम से कम हमें श्रील प्रभुपाद ने जो दिया है। पहले बताओ पहला लाइन क्या है षट गोस्वामी अष्टकम का? कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परौ प्रेमामृतांभो निधि धीर धीर जना प्रियो प्रिय करो निर्मत्सरौ पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारावहन तारको वंदे रूप सनातनौ रघुयुगो श्री जीव गोपालको। तो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य श्रीनिवास आचार्य ने यह अष्टकम लिखा था, बहुत सुंदर अष्टकम। गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में इतना विवरण मिलता नहीं है, चेतन चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन इतना किया नहीं उनके बारे में विस्तार से। नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने स्वयं ही मना कर दिया था कि उनके बारे में कुछ लिखा जाए। ऐसे कई दिग्गज वैष्णव हुए हैं वृंदावन में जिन्होंने नहीं चाहा कि उनके बारे में कुछ लिखा जाए ग्रंथों में, जैसे श्री लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी भी नहीं चाहते थे कि उनके बारे में कोई जिक्र किया जाए, उनके बारे में कुछ यशोगान हो। तो ये भी एक भाव है। कई बार क्या है कि वैष्णवाचार्य कहते हैं हाँ लिखा जाए क्योंकि ताकि आने वाले भक्तों को जो है एक शिक्षा मिले, उनके जीवन चरित्र को सुनकर वो भी कुछ सीखें। तो हर वैष्णव का अपना अपना एक भाव है, ये नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, सभी सही हैं, सभी वैष्णवाचार्य बिल्कुल सही हैं। तो इनका भाव ये था, ये नहीं जान चाहते थे कि इनके बारे में कुछ लिखा जाए। तो ठीक है नहीं लिखा गया, लेकिन फिर भी लिखा गया था बहुत कुछ, उतना तो नहीं जितना कि और वैष्णवाचार्यों के बारे में, जैसे नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने भक्ति रत्नाकर में लिखा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो चैतन्य चरितामृत में गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपना शिक्षा गुरु बताते, छह शिक्षा गुरु बताए हैं, छह गोस्वामी छह शिक्षा गुरु हो गए, तो उसमें से गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम भी आता है। और इसी तरह से नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने जैसे हमने बताया, यदुनंदन दास और नरोत्तम दास ठाकुर ने भी उनके बारे में कुछ लिखा है। मनोहर दास थे, उन्होंने अनुराग वल्ली में लिखा है, और नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रेम विलास में लिखा है। और इस तरह से यदुनंदन दास ने करुणानंद करके ग्रंथ में लिखा है। तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा विवरण मिलता है उनके बारे में, गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में। सन 1500 ईस्वी में गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव हुआ श्रीरंगम के पास, बेलगुड़ी गांव में, बेलगुड़ी गांव के पास, बेलगाड़ी बेलगुड़ी गांव में ही, और श्रीरंगम के पास कावेरी नदी के तट पर, और रामानुज संप्रदाय के परिवार में, द्रविड़ ब्राह्मण, द्रविड़ देश दक्षिण भारत, श्री संप्रदाय रामानुज संप्रदाय वैष्णव परिवार में उनका जन्म हुआ गोपाल भट्ट गोस्वामी का। और उनके पिता का नाम था वेंकट भट्ट,
तीन भाई थे, सबसे बड़े थे तिरुमल भट्ट, दूसरे नंबर पे कौन थे, दूसरे भट्ट नहीं, दूसरे नंबर पे थे वेंकट भट्ट और तीसरे नंबर पे प्रबुद्ध भट्ट, प्रबुद्ध भट्ट सबसे छोटे थे। तो इस प्रकार ये वेंकट भट्ट के सुपुत्र बने। और गोपाल भट्ट गोस्वामी बचपन से ही बहुत बड़े विद्वान थे, इंटेलिजेंट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एकदम इंटेलिजेंट। हमारे जितने वैष्णव आचार्य हुए हैं ये सब बहुत बड़े बड़े विद्वान, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है उनके इस प्रकार के विद्वत्ता को देखकर बचपन से ही शास्त्रों के प्रति रुझान को देखते हुए वेंकट भट्ट गोस्वामी ने प्रबुद्ध भट्ट को सौंपा उनको। और प्रबुद्ध भट्ट ने बचपन से इनको न्यायशास्त्र, संस्कृत, व्याकरण इत्यादि अन्य शास्त्रों में उनका अध्ययन करवाया, गोपाल भट्ट गोस्वामी। और इस प्रकार एक समय की बात है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने पिता के साथ जगन्नाथपुरी गए थे बचपन में, और वहां जाकर जगन्नाथ जी का दर्शन करने मात्र से क्या हुआ, भावपर हो गए, रोमांच कंपा अश्रु तरंग भाजो, तो अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जगन्नाथ जी का दर्शन देख के ही एक करते ही मूर्छित हो गए वहां पर बचपन में ही। और वेंकट भट्ट समझ गए कि गोपाल भट्ट जो है बहुत उच्च कोटि हैं, भाव की अवस्था में लग रहा है, तो भाव का प्रदर्शन कर रहे हैं जगन्नाथ जी के सामने, एकदम से मूर्छित हो गए। और समझ गए कि गोपाल भट्ट गोस्वामी बचपन से ही उनका रुझान है भक्ति के लिए, और इस प्रकार उनको बचपन से ही जो है ये वैष्णव संस्कार मिल गया, बचपन से ही संस्कार मिल गया। वैष्णव परिवार में जब मिलने का कितना लाभ है, देखिए अभी बचपन से लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कंप्यूटर में लगे हुए हैं, मोबाइल फोन में लगे हुए हैं, दिन रात एंड्रॉयड फोन चला रहे हैं, स्मार्टफोन, सारी स्मार्टनेस खत्म उनकी, दिन रात लगे हुए हैं, उंगलियां चल रही हैं उनकी, वो संस्कार मिल रहे हैं उनको, वो संस्कार थोड़ा है। तो इस प्रकार जो है बचपन से अगर वैष्णव परिवार में आपका जन्म हो जाए तो समझ लीजिए आपका भगवान के धाम में जाना आधा वैसे 50% वहीं निश्चित हो गया। इसलिए जी गोस्वामी लिखा है भागवत की टीका में जहां महाराज खटवांग का प्रसंग आता है, वो बोलते हैं अगर बचपन में किसी ने भक्ति की अगर तो बहुत अधिक संभावना है उसकी कि वो भगवान के धाम में जाएगा, अंतकाल में उसको भगवान का स्मरण हो जाएगा। बचपन में जिसने भक्ति की, बीच में हो सकता है कि वो भटक जाए लेकिन फिर दोबारा बहुत आसानी से आ सकता है, क्योंकि बचपन की जो छाप है, संस्कार है, वो बहुत ही गहरे होते हैं, वेरी वेरी डीप, उसको मिटाया नहीं जा सकता है। इसलिए बचपन में जो भी हमने कुछ किया है वो आज तक हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हरिनाम ले लेके थक गए लेकिन वो मिट ही नहीं रहा। ऐसे संस्कार जो है इतने मजबूत हो गए, जड़ पकड़ चुका है वो, नहीं जो बचपन में जो किए थे कुकर्म, तो अब उन संस्कारों से बचने के लिए कितनी भक्ति हमें करनी पड़ेगी, सोच के देखिए आप, कलयुग के जीव हैं हम सब। और ये बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु 1510 में उनका संन्यास हुआ था, माघ के महीने में संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति जो कि जनवरी में आता है, उस समय महाप्रभु का संन्यास हुआ था। और संन्यास लेने के उपरांत जो है चैतन्य महाप्रभु नीलाचल गए थे, जगन्नाथपुरी चले गए थे, और महाप्रभु वैशाख के महीने में पहुंचे होंगे वहां 1511 में। और उसी वर्ष 1510 में निकले तो लगभग वैशाख के महीने में नीलाचल में थे, और उसी वर्ष चैतन्य महापुरुष दक्षिण भारत की यात्रा में निकल गए। दक्षिण भारत की यात्रा में उनके साथ गए थे उस समय काला कृष्णदास। तो चैतन्य महापुरुष दक्षिण भारत गए थे, और दक्षिण भारत जब वहां गए तो कावेरी नदी के तट पर श्रीरंगम में जब पहुंचे तो कावेरी नदी में उन्होंने स्नान किया, महापुरुष ने रंगनाथ मंदिर में प्रवेश करने से पहले स्नान किया उन्होंने। चैतन्य महाप्रभु संन्यास आश्रम में, तो संन्यास आश्रम के नियमों का बहुत कड़की से पालन करते थे, तो कावेरी नदी में स्नान किया, फिर रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए रंगनाथ जी के मंदिर में गए श्रीरंगम में। और वहां जब पहुंचे तो वहां पर भाव विभोर होकर महाप्रभु रंगनाथ जी के सामने नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, महामंत्र का कीर्तन चल रहा है, हजारों हजारों भक्त आकर देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कौन है सन्यासी, युवक सन्यासी, हाँ इतनी आभा उनके चेहरे में है, इतना प्रकाश है, हाँ और इस युवावस्था में इतने भाव भर कर कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, हजारों हजारों भक्त आए देखे चैतन्य महाप्रभु को नृत्य करते हुए रंगनाथ जी के सामने, महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। और ऐसे में वेंकट भट्ट ने देखा, वेंकट भट्ट जो है वो भी बहुत चकित हो गए चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार भाव विभोर कीर्तन देखकर, उनका नृत्य देखकर, और दूर से देख रहे थे वो। लेकिन जब उनका भाव थोड़ा शांत हुआ
और उसके बाद वेंकट भट्ट पहुंचे महाप्रभु के पास, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए गृहस्थ आश्रम में जो गृहस्थ भक्त है उनका धर्म बनता है कि सन्यासियों का स्वागत किया जाए और सन्यासियों को प्रसाद परोसा जाए, उनकी सेवा की जाए, ये वैष्णव संस्कृति है। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया उन्होंने, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया कि उन्होंने कहा कि चतुर्मास का समय है और चतुर्मास के समय में अगर आप हमारे यहाँ रहेंगे और कृष्ण कथा करेंगे तो हमें कृष्ण कथा सुनने का लाभ मिल जाएगा चार महीने। उन दिनों क्या सड़कें बड़ी खराब होती थी, ऐसा तो नहीं था कि पक्की पक्की सड़कें बनती हो, तो यहाँ तो बरसात के मौसम में ही सड़क खराब हो जाती है, सड़क पक्की होती भी नहीं, नकली सड़कें हैं और बरसात होते उसकी पोल खुल जाती है नहीं, और जहाँ सड़क है ही नहीं उनकी क्या हालत होती है उस वक्त। तो ऐसे में क्या है, सन्यासी लोग उस चार महीने जो है वो भ्रमण नहीं करते थे, एक स्थान में रहकर भजन करते थे। चार महीने उनके लिए समझ लीजिए छुट्टी होती थी, नौ यात्रा, तो चार महीने गहन अध्ययन और श्रवण कीर्तन कथा कीर्तन उसी में लगे रहेंगे, और जो जहाँ रुकेंगे तो उन लोगों को भी लाभ मिल जाएगा। जैसे वेंकट भट्ट के घर पर रुके और गोपाल भट्ट गोस्वामी वहाँ पहुँचे, गोपाल भट्ट गोस्वामी उस समय लगभग 11 वर्ष के थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी नहीं कहूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि गोस्वामी की उपाधि उनको वृंदावन में प्राप्त हुई थी, या गोपाल भट्ट ही हम कहेंगे। तो गोपाल भट्ट बहुत छोटे थे, 11 वर्ष के थे उस समय, और जब महाप्रभु को देखे तो महाप्रभु के चरणों में गिर गए, महाप्रभु ने अपने चरण जो है गोपाल भट्ट के मस्तक पर रख दिया, उनके इस महाप्रभु के दिव्य स्पर्श से गोपाल भट्ट जो है भाव विभोर हो गया, तो सात्विक भाव जागृत हो गया उनके शरीर में, देख लीजिए। और उसके बाद फिर वेंकट भट्ट जो है उन्होंने महाप्रभु के चरण कमलों को धोया और चरणामृत का पान किया, अकेले नहीं परिवार के जितने सदस्य हैं सबको भी चरणामृत बांटा, सब ने महाप्रभु के चरणामृत का पान किया। जैसे अड़ेल गांव में जो श्रीपाद वल्लभाचार्य ने निमंत्रण दिया था महाप्रभु उनके घर गए थे, महाप्रभु जब उनके घर गए तो वल्लभाचार्य ने भी इसी तरह से उनके चरण धोए थे और चरणामृत का पान किया और परिवार के सभी सदस्यों को वो चरणामृत पिलाया। तो इस तरह से सन्यासियों को वैष्णव का जब स्वागत होता है तो उनके चरण धोए जाते हैं, उनकी सेवा की जाती है, उनको प्रसाद खिलाया जाता है, उनको माल्यार्पण किया जाता है, तो इस प्रकार सेवा होती है वैष्णव। ये हमारे कल्चर हमारी संस्कृति है, वैष्णव संस्कृति, वैष्णव परिवार में इस प्रकार की संस्कृति है, वैष्णव को इस प्रकार से स्वागत किया जाता है, वैष्णव को सम्मानित किया जाता है। तो इस प्रकार जो है वेंकट भट्ट जो है उन्होंने, उनका सौभाग्य था कि चैतन्य महाप्रभु के घर पर अब चार महीने के लिए रुकेंगे और बहुत सारी चर्चाएं होंगी, कृष्ण कथा होगा वहां पर, और गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वो भावपुर हो गए, 11 वर्ष के थे लेकिन महाप्रभु की कृपा मिल गई, अष्ट सात्विक भाव, रोमांच, कंपा और कंठ गदगद हो जाना, आंखों से अश्रु बहना, प्रेमाश्रु बह रहे थे उनकी आंखों से, रोमांचित हो रहे थे। गोपाल भट्ट महाप्रभु को देखकर महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके, और महाप्रभु ने जब प्रसाद ग्रहण कर लिया तो फिर तो वेंकट भट्ट ने जो है कृष्ण कथा का अनुरोध किया, इस तरह से कथा प्रारंभ हुई। प्रत्येक दिन महाप्रभु जो है कावेरी नदी में जाते, स्नान करते, रंगनाथ मंदिर के प्रांगण में रंगनाथ जी के सामने संकीर्तन करते, नृत्य करते, तो हजारों हजारों भक्त वहां पर एकत्रित होते महाप्रभु का नृत्य कीर्तन देखने के लिए, उनको भी बड़ा आनंद आता चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करके। इसी तरह से क्या हुआ, दक्षिण भारत में महाप्रभु के जाने का एक कारण क्या था, वो स्थापित करना चाहते थे कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, और हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने महाप्रभु के पच्चीनों पर चलते हुए यही किया सबसे पहले, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, सभी कारणों के कारण श्री कृष्ण हैं। तो इस प्रकार वहां पर श्रीरंग में रहते हुए प्रचार प्रसार हुआ, और महाप्रभु उस समय ये महाप्रभु के साथ जो आए थे ना वो भक्त, क्या नाम था उनका, काला कृष्णदास, तो कृष्णदास ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु की नदिया लीला के बारे में बताया, नवदी में किस तरह से उन्होंने बाल लीलाएं की और उनकी उनकी यौवन लीला और किशोर लीला, किशोर लीला विशेष रूप से यौवन अवस्था में तो चले गए थे, फिर किशोर अवस्था में बाल लीला जो कि नवदी में नदिया में वहाँ पे क्या क्या लीलाएं की, सुनकर गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है भाव विभोर हो जाते और बोलते, हे ब्रह्मा हे विदाता, कहाँ जन्म दे दिया आपने मुझे, जन्म दक्षिण भारत में, मुझे नवदी के गौरंग महाप्रभु का नदिया बिहारी का दर्शन नहीं हो पाया,
गौरांग महाप्रभु का दर्शन नहीं हो पाया, ये मैं सन्यास वेश में क्या दर्शन कर रहा हूं। आपने ब्रजनंदन श्री कृष्ण को सन्यासी क्यों बना दिया, कि कहां गए उनके केश, कहां उनके माथे पर तिलक होता था सुंदर, घुंघराले बाल और उन बालों में सुंदर पुष्प की माला होती थी, पीताम्बर वस्त्र धारण करते थे, बहुत सुंदर वैजयंती माला होती थी उनके गले में, और ये सब देखने के लिए लालायित थे वास्तव में गोपाल भट्ट। लेकिन ये क्या, ये विरह वेश, ये सन्यास का वेश धारण किया, और मुझे ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ कि मुझे गौरांग महाप्रभु के उस रूप का दर्शन प्राप्त हो, ऐसा सोच के वो रोते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, बहुत दुखी होते थे और विधाता को यानी कि ब्रह्मा जी को दोष देते थे कि आपने कहां मुझे जन्म दे दिया, दक्षिण भारत में दे दिया, हमारा भाव तो ब्रज का है, महाप्रभु के हैं हम सेवक। तो इस प्रकार जो है महाप्रभु जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी के समक्ष जब प्रकट होते तो गोपाल भट्ट भाव विभोर हो जाते। एक समय गोपाल भट्ट गोस्वामी रात को जब विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, उस समय सोते हुए उनको नवदीप की सारी लीलाओं का दर्शन हो रहा था, स्मरण हो रहा, लीला स्फूर्ति हो रही है, रात को सोते हुए भी जो है गौर लीला में, दिन में महाप्रभु का दर्शन कर रहे हैं प्रकट लीला, और रात में जो है नित्य लीला चल रही है, तो देखा जाए तो दिन में भी लीला और रात को भी लीला स्मरण हो रहा है। तो रात को नदिया लीला, महाप्रभु की लीलाएं जो नवदीप में है विशेष रूप से, वो नवदीप लीला का वो स्मरण कर रहे हैं, स्फूर्ति हो रही है उनको रात्रि के समय। और उसके बाद जब नींद जब टूटी, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु को सामने देखा, और महाप्रभु को अब उन्होंने कृष्ण के रूप में देखा, ग्वाले के रूप में देखा, वो देखकर चकित हो गए। और उसके बाद फिर अब भगवान श्री कृष्ण कृष्ण के रूप में जब थे, उसके बाद वो गौरंग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, गौरहरि के रूप में प्रकट हो गए। गौरहरि के रूप में प्रकट होने का मतलब है कि घुंघराले बाल, उनके माथे पर बहुत सुंदर तिलक, और उसके बाद फिर बहुत सुंदर सुंदर उनकी आंखें, मधुर मुस्कान, जो हजारों हजारों कामदेव को भी जो है वो क्या कर रहे हैं, उनके गर्भ को जो है गर्भ को चूर चूर कर रहे हैं, और हजारों हजारों चंद्रमाओं का गर्भ जो है चूर चूर कर रहे हैं उनकी सुंदरता, उनकी मधुर मुस्कान, उनके गले में वैजयंती माला, माथे पर तिलक, घुंघराले बाल, और घुंघराले बालों में बहुत सुंदर मालती की माला। तो इस प्रकार जो है देखकर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, और जैसे ही वो उठे तो फिर क्या देखा, वही सन्यास वेश। तो इस प्रकार से उनके साथ ये सब घटनाएं हो रही थी। महाप्रभु ने कहा कि आप धैर्य रखो, और बहुत जल्दी आपको इस भवबंधन से छुटकारा मिलेगा, आप वृंदावन जाओगे और वहां पर श्रील रूप गोस्वामी श्रील सनातन गोस्वामी के सेवा में आप लोगोगे, और वहां जाओगे तो मेरे व्यक्तित्व का, मेरे भाव का विवरण आपको मिलेगा श्रील रूप गोस्वामी से, श्रील सनातन गोस्वामी से, तो आप चिंता ना करो। तो इस प्रकार महाप्रभु ने अपने प्रेमाश्रुओं से गोपाल भट्ट को नहला दिया, गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपने गोद में लिया, तो महाप्रभु की आंखों से आंसू झरझर बह रहे हैं प्रेमाश्रु, और प्रेमाश्रु जो झरझर बह रहे थे, गोपाल भट्ट जो है वो भीग गए, उनका पूरा शरीर भीग गया। और महाप्रभु ने वेंकट भट्ट से बोला कि गोपाल से मैं बड़ा प्रेम करता हूं और मेरा आशीर्वाद है उसको, आप उसको अच्छी शिक्षा देना, लेकिन याद रहे उसका विवाह मत करना। तो इस प्रकार महाप्रभु ने जो है वेंकट भट्ट को बता दिया, गोपाल भट्ट को आप पढ़ाओ लिखाओ लेकिन विवाह मत करना उसका। और उसके बाद महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को यह भी बता दिया कि जब तक आपके माता पिता हैं आप उनकी सेवा करो, उसके बाद आप वृंदावन आ जाना। तो इस प्रकार महाप्रभु 4 महीने रहे, और जब तक 4 महीने रहे वेंकट भट्ट के घर पर, वहां रहकर रोज कृष्ण कथा होती, रोज जो है वो कृष्ण कथा होती। एक समय की बात है, क्योंकि वेंकट भट्ट जो है लक्ष्मी नारायण के उपासक थे, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की आराधना को सर्वोच्च माना जाता है। तो वेंकट भट्ट जो है उनसे चर्चा चल रही है महाप्रभु की, महाप्रभु ने पूछा मुस्कुराते हुए, भट्ट जी एक बात बताइए, आपकी लक्ष्मी जी जो है नारायण की बड़ी जो है समर्पित जो है अर्धांगनी है, और नारायण वैकुंठपति की पत्नी है, लेकिन क्या कारण है,
कि वो वैकुंठ वासनी होने के बावजूद भी कृष्ण की संगति के लिए लालायित रहती हैं, ऐसा क्यों? अब भट्टी जी ने कहा कि कृष्ण और नारायण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, बस यह है कि कृष्ण लीला में थोड़ी और विविधताएं हैं और विशेष रूप से रास लीला का बड़ा महत्व है। अगर ऐसे में लक्ष्मी जी जो है भगवान कृष्ण के सानिध्य की आशा कर रही हैं, उनकी संगति की आशा कर रही हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? और इससे जो है उनके अपने पति के प्रति उनकी श्रद्धा तो कम नहीं होगी ना, वो व्यक्ति तो वही है, सेम पर्सन। आप घर में किसी के भाई हो, किसी के बेटे हो, किसी के पति हो, आप वही ऑफिस में जाते हो तो जज बन जाते हो, तो यू आर द सेम पर्सन, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? महाप्रभु ने कहा ये बात सत्य है, बट द फैक्ट इज शी प्रैक्टिस सो मच तपा एंड जपा। बेल वन में तप कर रही हैं, जप कर रही हैं, उपवास कर रही हैं, लेकिन क्या कारण है कि उनको वृंदावन में भगवान कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करने का अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है? व्हाट इज द रीजन? और यहां तक कि श्रुतिचारी गोपियां, श्रुतियों ने जो है बहुत तपस्या की, और तपस्या करने पर जो है उनको भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो गया, वो गोपियों का स्वरूप प्राप्त हुआ उनको। लेकिन यही लक्ष्मी जी ने इतनी तपस्या की, उनको नहीं मिल पाया अभी तक, बेल वन में तपस्या कर रही हैं, वो क्या कारण है इसका? भट्टी जी बोले यहां मेरी बुद्धि काम नहीं करती। महाप्रभु उन्होंने कहा कि यहां मेरी बुद्धि काम नहीं करती है, हाउ कैन माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग पेनिट्रेट द अनलिमिटेड डेप्थ ऑफ ओशन ऑफ कृष्ण लीला। तो कृष्ण लीला की जो है जो गहरी गहरी बातें हैं, गूढ़ बातें हैं, गुह्यतम बातें हैं, वो मैं कैसे समझ सकता हूं? मेरी इंद्रियां तो सीमित है, ये तो मेरी चिंता से परे है। महाप्रभु हंसने लगे, मुस्कुराए, उन्होंने कहा सुनो वेंकट, कृष्ण जो है अपने माधुर्य के द्वारा सबको आकर्षित करते हैं, वो रसराज हैं, रसराज अखिल रसामृत मूर्ति हैं, रसों से परिपूर्ण हैं वो, लेकिन सब कोई उनको नहीं पा सकता है। और उनको कौन पा सकता है? जो वृंदावन के कृष्ण हैं, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं, उनको तो केवल ब्रज भाव के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ब्रजवासियों के अनुगत जब तक नहीं होंगे तब तक ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि ब्रजवासियों में ऐश्वर्य का कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, वहां तो कोई आवरण नहीं है ज्ञान और कर्म का। ऐसे ब्रजवासी जो है कभी कभी तो उनको उखल से बांध देते हैं, कभी उनके कंधे पर चढ़ते हैं, कभी उनको झूठा खिलाते हैं और उनका झूठा खाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, कूदते हैं। तो इसलिए वहां तो कृष्ण गोप हैं, इसलिए कोई ब्रजवासी कि जानता ही नहीं है कि कृष्ण वहां भगवान है। कोई कृष्ण के लिए सखा है, कोई कृष्ण के लिए प्रिय है, यानी कि वहां पर अलग अलग जो रिश्तों में संबंधों में ब्रजवासियों का संबंध है कृष्ण से, वो ऐश्वर्य का भाव नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार का जो ऐश्वर्य का भाव है वो क्या है? बड़ा डेट्रीमेंटल है, वो अनुकूल नहीं है ब्रज भाव के लिए। तो अगर आप ब्रज में जा रहे हैं तो सबसे पहले प्रवेश करते ही देहात्म बुद्धि समाप्त करनी पड़े, सर्वोपाधि विमुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। ब्रज में जाने का मतलब यह है, ब्रज में प्रवेश करने का मतलब है कि ऐश्वर्य ज्ञान नहीं होना चाहिए कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो सब नहीं। वहां पर दास दासानुदास की भावना से प्रवेश करना होगा ब्रज में, सरलता होनी चाहिए हृदय में। अगर हम सोचते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो ब्रज में एंट्री नहीं है फिर। तो इस प्रकार क्या है कि इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि इसलिए इस कृष्ण को, इन कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, वृंदावन कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ब्रजवासियों का भाव जो है अनुकूल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार उन्होंने बताया नायम सुखाप भगवान, ये जो श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है उसमें यही बात बताई गई है कि कृष्ण जो है केवल भक्तों के द्वारा जाने जा सकते हैं, ज्ञानियों के द्वारा नहीं, कर्मियों के द्वारा नहीं। यहां तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी भी, लक्ष्मी जी भी ये भी नहीं समझ पाते श्री कृष्ण को जो वृंदावन में है, उनके लिए भी जो है बहुत ज्यादा क्या है, मुश्किल है।
और इस प्रकार यानी कि कहने का मतलब यह है इस श्लोक के अनुसार यह भाव प्रकट होता है जब तक गोपियों के अनुगत ना हो जाए, उन ब्रजवासियों के अनुगत ना हो जाए, उनके मार्गदर्शन में जब तक हम रहकर राग मार की साधना जब तक ना कर लें, हम लोग जो है ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकते। तो इस प्रकार विवरण हुआ, क्योंकि कृष्ण जो है गोप जाति के हैं और गोप जाति के गोप हैं, उनको प्राप्त करने के लिए गोपियों का आश्रय लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो बोलने लगे। तो वेंकट भट्ट जो है उनका तो विश्वास यही था कि नारायण जो है वो भगवान है, स्वयं भगवान है। लेकिन महाप्रभु उनको समझाना चाहते थे कि नारायण जो है विलास मूर्ति है, एक्सपेंशन है भगवान कृष्ण की, विलास मूर्ति है। लेकिन जहां तक भगवान कृष्ण की बात है वो है स्वयं भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इस प्रकार जो है, लेकिन हम देखते हैं कि कृष्ण जो है गोपियों को आकर्षित करती हैं, गोपियां कृष्ण से आकर्षित होती हैं, गोपियां कृष्ण से आकर्षित होती हैं, लेकिन गोपियां नारायण से आकर्षित नहीं होती हैं। कृष्ण अगर नारायण का रूप भी धारण कर ले तब भी आकर्षित नहीं होती है। आप जानते हैं ना वो प्रसंग जहां पर क्या हुआ था, पेठा नाम का गांव है गोवर्धन के पास ही, गोवर्धन इलाके में ही कह लीजिए, तो वहां पर यही हुआ था। ललित माधव में श्रील रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है, और उस वर्णन में क्या मिलता है कि जब कृष्ण जो है चले गए, सबको छोड़ के रासलीला छोड़ के चले गए, और राधारानी भी उनको ढूंढ रही हैं, और ब्रज की गोपियां और जो गोपियां हैं वो भी ढूंढ रही हैं, नो राधारानी नो रासलीला फॉल फिनिश्ड, है ना, वन में भटक रहे हैं, कहाँ है कृष्ण को थाए को थाए कृष्ण को थाए कृष्ण को थाए, कृष्ण नहीं मिल रहे हैं, कृष्ण एक कुंज के पीछे छुपे हुए हैं, और गोपियां आ रही हैं, और कृष्ण ने उस समय चतुर्भुज रूप धारण कर लिया अलारनाथ, तो गोपियां कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखकर स्तुति करने लगी, प्रार्थना करने लगी, हे भगवान हे नारायण हे सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान आप हमारी सहायता करिए, कृष्ण क्या इस रास्ते से कहीं गए हैं क्या, आपने कहीं देखा कृष्ण को। और उसके बाद जब राधारानी वहां पहुंची तो उनका दो हाथ गायब हो गया और कृष्ण त्रिभंग रूप में प्रकट हो गए। तो यह है गोपियों का स्थान, गोपियों का स्थान कितना ऊंचा है इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये चैतन्य महाप्रभु यहां कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अगर देखा जाए मेटाफिजिकल या तत्व से, अगर आप सब्सटेंस से देखें तो तत्व की दृष्टि से कृष्ण और नारायण में भेद नहीं है। तत्व की दृष्टि से अगर भेद करेंगे तो अपराध लगेगा। और जहां ऐसे कृष्ण और नारायण में कोई भेद नहीं है, उसी तरह से गोपियों और लक्ष्मी में भी कोई तत्व में भेद नहीं है, और लक्ष्मी जो है गोपियों की ही विस्तार है। तो इस तरह से लक्ष्मी जी जो है गोपियों के माध्यम से सेवा कर तो रही है, क्योंकि गोपियों के ही विस्तार है लक्ष्मी जी। तो इस प्रकार, लेकिन भाव की दृष्टि से देखा जाए तो फिर भेद आ जाता है। तो इस प्रकार इसको समझना है। और इस प्रकार महाप्रभु के साथ इस प्रकार हास परिहास का संवाद चल रहा था, क्योंकि वेंकट भट्ट के साथ महाप्रभु का एक मित्रता का संबंध हो गया था साबित, तो इसलिए कई बार वो मजाक करते, कई बार बड़ी गंभीर बातें होती, और इस प्रकार चर्चा चल रही थी। और श्रील गोपाल भट्ट जो थे और उनको भी मौका मिल गया ये संवाद सुनने का। प्रभुपाद से एक बार पूछा था कि प्रभुपाद वी हैव रेड इन नेक्टर ऑफ डिवोशन दैट वी हैव टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ रेजिडेंट ऑफ वृंदावन, इफ यू वांट टू एंटर वृंदावन यू हैव टू फॉलो द फुटस्टेप ऑफ ब्रजवासीज, सो हाउ वी कैन नो दैट एंड हाउ वी कैन फॉलो द ब्रजवासीज। प्रभुपाद ने कहा आई एम अ रेजिडेंट ऑफ वृंदावन, यू फॉलो मी, सिंपल। इतना सोच रहे हो आप, सोचो मत ज्यादा। प्रभुपाद जी जैसे ब्रजवासी कौन है भाई, सामने बैठे आपके। तो इस प्रकार हमें समझना है इस बात को। तो चतुर्मास से जब समाप्त होने लगा, अब महाप्रभु जाने वाले थे भट्ट परिवार को छोड़ने के लिए, वापस जाना है उनको नीलाचल, गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास रहे। गोपाल भट्ट बहुत भाग्यशाली थे जिनको महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त हुआ, एक दो दिन नहीं चार महीने लगातार, इतना समय महाप्रभु ने किसी भी गोस्वामी को नहीं दिया लगातार। महाप्रभु ने जिन्होंने महाप्रभु ने जितना गोपाल भट्ट को दिया, चार महीने लगातार, 4 months कंटिन्यूस उनके घर पे रहे महाप्रभु। सोच के देखिए आप,
तो उन्होंने गोपाल भट्ट को सांत्वना दी, उनका धैर्य रखो, आपकी इच्छा पूरी होगी, आशीर्वाद दिया और आप जल्द ही वृंदावन आओगे, लेकिन जब तक आप क्या करना है, तब तक आपने क्या करना है, आपने अपने माता पिता की सेवा करनी है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, उनके जाने के बाद आप वृंदावन चले आना। तो इस प्रकार महाप्रभु जी ने उनको सुझाव दिए थे। गोपाल भट्ट जो है बड़े दक्ष थे शास्त्रों में और नर्तन गायन में भी बड़े दक्ष थे, इसलिए आज भी राधा रमण मंदिर में राधा रमण जी के सामने जो है वहां कोई ना कोई नृत्य गायन चलता रहता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य कला, इस प्रकार का वहां पर सेवा चलती रहती है। तो गोपाल भट्ट जो है वो बचपन से ही जो है नर्तन गायन में वो और बच्चों की तरह नहीं खेलते थे, जैसे शीला जी गोस्वामी कृष्ण बलराम का उनके पास विग्रह था, उसको लेके सोते थे साथ में शीला जी गोस्वामी। तो इस तरह से बचपन से ही वो गोपाल भट्ट जो है वो बचपन से ही जो है भक्त थे, यानी कि सामान्य बालकों की तरह नहीं खेलते थे, कंचा या गुल्ली डंडा वो सब नहीं खेलते थे, या स्मार्टफोन में ले लगे रहते थे, गेम्स नहीं खेलते थे, वो क्या खेलते थे, कीर्तन नर्तन गायन, नाचना गाना ठाकुर जी की सेवा में, उसमें आनंद आता था उनको। तो इस प्रकार उन्होंने बचपन बिताया था। और वृंदावन में अब क्या हुआ कि गोपाल भट्ट जो है उनके पिता की मृत्यु हो गई, उनके माता पिता अब नहीं रहे, अब उन्होंने सोचा यही मौका है निकल लो, जिस तरह से बछड़े को अगर खोल दिया जाए तो बछड़ा सीधा अपनी माता गाय के पास भागता है, उसी तरह से अब गोपाल भट्ट को लगा कि अब मुझे जाना है वृंदावन, बस ना दाएं देखेंगे ना बाएं, हम चलेंगे वृंदावन की ओर। तो इस प्रकार अब जो चाहते तो महाप्रभु के पास जा सकते थे, नीलाचल चले जाते थे और बहुत अच्छा लगता, लेकिन महाप्रभु की आज्ञा है कि आप वृंदावन जाइए और वहां जाकर शिल रूप गोस्वामी शिल सनातन गोस्वामी की सेवा में लगिए। और वहां जब पहुंचे तो ये खबर फैल गई वृंदावन में हर जगह कि गोपाल भट्ट आए हैं दक्षिण भारत से, महाप्रभु के आदेश से गोपाल भट्ट पहुंच चुके हैं श्रीधाम वृंदावन, शिल रूप गोस्वामी शिल सनातन गोस्वामी ने गोपाल भट्ट का स्वागत किया। और उसके बाद फिर ये खबर इतनी पहुंच, क्योंकि क्या होता था वृंदावन में जब इस प्रकार की खबर होती थी, कोई अब बहुत बड़े दिग्गज वैष्णव आते थे तो तब जाके खबर पहुंचाई जाती थी महाप्रभु तक, अन्यथा उन दिनों जो है ना ईमेल की फैसिलिटी थी, ना व्हाट्सएप था नहीं, और ना वहाँ टेलीग्राम की कोई फैसिलिटी थी, ना टेलीफोन था, ना कोई लैंडलाइन था, ना कोई ऑफलाइन था, ना कोई ऑनलाइन था, कोई लाइन ही नहीं था, और इसलिए भक्त लोग बड़े आराम से बड़ी गंभीरता से भजन कर पाते थे। आजकल इतनी सारी विविधताएं आ गई हैं कि ग्रंथों के अलावा और सब जगह ध्यान जा रहा है, क्योंकि बहुत कुछ आपने जुटा लिया है, टेक्नोलॉजी के प्रवेश से लाभ तो हुआ है नुकसान भी हुआ है, लेकिन उस समय ब्रज के जो भक्त थे, ये गोस्वामी जितने भी थे, उस समय कोई इस प्रकार का कम्युनिकेशन की फैसिलिटी नहीं थी, बड़े शांत होकर अपना भजन करते, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर खबर पहुंचानी तो कैसे पहुंचाएं फिर, तो या तो कबूतर के माध्यम से, हाँ कबूतर बड़े होते हैं, प्रशिक्षित करना होता है, बस उनको कबूतर आपकी चिट्ठी लेके चले आते हैं, राजा महाराजा लोग करवाते थे ऐसे, या फिर किसी को भेजना होता था संदेशवाहक, वो जाएगा चिट्ठी लेकर जाएगा दूर, और दूर जाने का मतलब क्या है, वृंदावन से नीलाचल कितनी दूर है, कितना किलोमीटर होगा, 1800 किलोमीटर चलना होगा, या बैलगाड़ी में जाएंगे तो कितना, वो बैल कितना चलेगा, तो यानी कि बहुत अगर गंभीर विषय होगा या बहुत आवश्यक होगा, बहुत महत्वपूर्ण कोई बात होगी तभी किसी को भेजा जाता था। ऐसे में भेजा गया था शिल रूप गोस्वामी शिल सनातन गोस्वामी के द्वारा एक व्यक्ति को भेजा गया था, एक भक्त को महाप्रभु के पास संदेशा देकर कि गोपाल भट्ट शिल गोपाल भट्ट आ चुके हैं वृंदावन में। और महाप्रभु जब संदेश सुना पढ़ा तो बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा अच्छा लगा कि गोपाल भट्ट वृंदावन पहुंच चुके हैं, और नीलाचल के जितने भक्त हैं नीलाचल वासियों को सबको सूचित किया महाप्रभु ने कि गोपाल भट्ट वृंदावन पहुंच चुके हैं, और उन्होंने चिट्ठी लिखी शिल रूप गोस्वामी शिल सनातन गोस्वामी को कि आप अपने छोटे भाई की तरह इनका ध्यान रखना। और साथ में महाप्रभु ने उस भक्त के माध्यम से जो नीलाचल आया हुआ था उस भक्त के माध्यम से तीन चीजें भिजवाई, एक तो डोर कोपिन, बहिर्वास और आसन, ये तीन चीजें भिजवाई थी महाप्रभु ने किसके लिए, गोपाल भट्ट गोस्वामी।
गोपाल गोस्वामी ने जब देखा कि महाप्रभु ने मुझे भेजा है, डोर कॉपिन भेजा है, बहिर्वास भेजा है, आसन भेजा है, भाव विभोर हो गए, एकदम से एक्सट्रेसी में आ गए। लेकिन उनकी विनम्रता थी, उस आसन में वो बैठ नहीं रहे थे, उनको बैठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी ने संकेत दिया, ये आसन ये संकेत दे रहा है कि आपको इस आसन में बैठना है, ये हमारी आज्ञा है, स्वीकार करना है, ये महाप्रभु का आदेश है आपके लिए। ये आसन संकेत दे रहा है कि आपको शिष्य स्वीकार करना होगा, आपको दीक्षा देनी होगी। क्योंकि श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी अब वो इतना शिष्य बना नहीं रहे थे, लगभग ना के बराबर, तो इसलिए अब वो चिंता कर रहे थे कि हमारी संप्रदाय का विस्तार कैसे होगा, संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, तो इस प्रकार वो विचार कर रहे थे। तो इसलिए अब ये संकेत मिल गया था महाप्रभु से। अब महाप्रभु जो है उन्होंने गोपाल भट्ट को ये भी कहा था कि वो शालिग्राम शिला की सेवा पूजा करें, और बाद में ये गोपाल बाद में ये भी महाप्रभु ने बताया था उनको कि यही शालिग्राम शिला आगे चलकर राधा रमन के रूप में प्रकट होंगे। तो इसलिए ये बताया जाता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन जब आ गए तो महाप्रभु उनके सपने में आके बताए कि आप जाइए गंडकी नदी नेपाल में जो है, वहां से आपको शालिग्राम शिला मिलेगी। और इस तरह से कूर्माकृति जो चैतन्य महाप्रभु ने लीलाचल में धारण किया था, वही कूर्माकृति जो महाप्रभु ने रूप धारण किया था, वही जो है शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हुए हैं। ये जो शालिग्राम शिला है जिससे राधा रमन जी प्रकट हुए हैं, वो शिला है दामोदर शिला, हमारे गुरु महाराज के पास है, कभी देखेगा आप दामोदर शिला। शिला में ऐसे जो है ऐसा लगता है कि जैसे कि धागे से बांध दिया हो, रस्सी से बांध दिया हो, एक वाइट आपको थ्रेड जैसा लगेगा उस शिला में, तो वो दामोदर शिला है। तो वो दामोदर शिला से राधा रमन जी प्रकट हुए थे। तो इस प्रकार अब शालिग्राम शिला को प्राप्त करने के लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी निकल पड़े वृंदावन से गंडकी नदी की ओर नेपाल। और वहां जब चल पड़े सहारनपुर से होते हुए निकले जब, तो देवबंध में वहां पर माधव प्रसाद शर्मा के घर पे रुके। माधव प्रसाद शर्मा के दो संतानें थी, दो पुत्र थे, एक का नाम था गोपीनाथ और एक का नाम था दामोदर। और वो बड़े प्रभावित हुए थे गोपाल भट्ट गोस्वामी से, और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको दीक्षा भी दी थी, दामोदर और गोपीनाथ। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी वहां से निकल पड़े। अब देवबंध से वो चले गंडकी नदी की ओर यात्रा करते हुए। गंडकी नदी पर जब वहां पहुंचे तो वहां पर उन्होंने उस गंडकी नदी में अपना हाथ डाला, जब हाथ डालते ही शालिग्राम शिला आ, क्योंकि महाप्रभु ने यह संकेत दिया था जो पहली शिला होगी वही शिला है जिससे राधा रमन जी प्रकट होंगे। और वो शिला हाथ में लिया उन्होंने, लेकिन हैरान हो गए, अरे तो दामोदर शिला है। और उसके बाद फिर 11 और शिलाएं मिली, तो लगभग 12 शिलाएं लेकर जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी गंडकी नदी से लेकर आए थे वापस नेपाल से श्रीधाम वृंदावन। तो इस तरह से वृंदावन जब वापस आ रहे थे तो उनके जो दो शिष्य थे ना, दामोदर और गोपीनाथ, उन दोनों को भी ले आए साथ, क्योंकि आगे सेवा को आगे जारी रखना है, राधा रमन जी की सेवा चलती जाए इसलिए भक्तों की आवश्यकता है। क्योंकि जो वैष्णव होते हैं अपनी सेवा के लिए तो कोई रखते नहीं किसी को, लेकिन जिस परंपरा को आगे बढ़ाना है प्रचार प्रसार कार्य के लिए, इस महापुरुष के आंदोलन को बढ़ाने के लिए भक्तों की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे में शिष्य बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार शालिग्राम शिला की सेवा करते थे, बड़े प्रेम से गोपाल भट्ट गोस्वामी सेवा करते थे। और शालिग्राम शिला उन्होंने कहा रखी थी, पिटारी में रखी थी, निधिवन में आप देखते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि है, और पास में ही वो स्थान है जहां पर राधा रमन जी प्रकट हुए थे, वो देखा स्थान आपने, देखा होगा सामने, तो वहां शालिग्राम शिला वहां प्रकट हुए। तो वहां वृक्ष की टहनी पे लटका के रखते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी शालिग्राम शिला को, पिटारी में रखा होता था और उनकी सेवा किया करते थे। और ऐसा बताया जाता है कि क्या हुआ, अब उनको पूरा विश्वास था कि एक दिन इस शिला से राधा रमन जी प्रकट होंगे। वो प्रार्थना करते थे, हे कृष्ण आप अगर खंबे से प्रकट हो सकते हैं तो शालिग्राम शिला से भी प्रकट हो सकते हैं। नरसिंह चतुर्दशी के दिन उन्होंने ऐसा स्मरण किया कि अगर आप, हे नरसिंह देव, अगर आप खंबे से प्रकट हो सकते हैं तो आप शिला से क्यों नहीं प्रकट हो सकते।
तो ऐसे सेवा पूजा वो किया करते थे। अब क्या हुआ कि एक कथा बताई जाती है, कथा है, उसमें कथा में ये बताया जाता है, एक व्यापारी आया था वृंदावन और उसने कई मंदिरों में दान दिए थे श्रृंगार करने के लिए, आभूषण वस्त्र इत्यादि। तो ऐसे में वो सोचने लगे क्या करें, हमारे पास तो बिगड़े नहीं है, शालिग्राम शिला को कैसे वस्त्र बनाया जाएगा। तो कई बार तो गोवर्धन शिला कई भक्तों के पास होता है, उसमें गोवर्धन गिरिराज जी में आंखें बनाते हैं, बड़े सुंदर आंखें बना देते हैं, तिलक बना देते हैं, लेकिन वस्त्र बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो वस्त्र कैसे बनाए जाए, ये गहने कैसे बनाए जाए, आभूषण कैसे बनाए जाए, व्यापारी दे तो रहा है लेकिन मेरा दुर्भाग्य है। ऐसा सोचकर गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है प्रेमाश्रु भाते थे, भाव विभोर होते थे और शिला की सेवा करते थे। शालिग्राम शिला जो है वो कृष्ण से अभिन्न है और शालिग्राम शिला की स्थापना करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। शालिग्राम शिला पहले से ही प्राण प्रतिष्ठित, साक्षात श्री कृष्ण है। तो इस प्रकार सोच रहे थे वो। अब क्या हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन 1542 में प्रातः काल जब उन्होंने अपनी पिटारी को खोला सेवा के लिए, उसको जब खोला, खोलते क्या देखा कि शिला जो है प्रकट हो गई है राधा रमन जी के रूप में। राधा रमन जी का विग्रह अगर आप देखेंगे, देख नहीं सकते आप क्योंकि इसके लिए ऑल्टर में जाना पड़ेगा, राधा रमन जी का जो बैक साइड है, पीठ है, वहां पे वो निशान है जहां से शालिग्राम शिला जो है वो क्या हुआ था, प्रकट हुआ राधा रमन जी के रूप में। राधा रमन जी का विग्रह बहुत सुंदर है और उनके हाथ उनके पांव बड़े कोमल है, ऐसा लगता है कि छोटे से बच्चे की तरह उनका हाथ पांव बहुत मुलायम, और ऐसा अनुभव होता है पुजारियों को जब राधा रमन जी की शयन सेवा होती है, उनके चरणों का मसाज किया जाता है, मालिश किया जाता है, तो कई बार ऐसे भक्तों को आभास होता है ऐसा लगता है किसी बच्चे का पांव छू रहे हैं। और राधा रमन जी का विग्रह आप देखेंगे उसमें एक और विशेषता है, हाथ की पांचों के पांचों उंगलियां जो है अलग अलग है, अधिकांश विग्रहों में उंगलियां चिपकी होती हैं ऐसे, लेकिन राधा रमन जी की उंगलियां सारी खुली हुई है, नाखून भी है उसमें, दांत भी हैं। कई बार वो दांत दिखते हैं, कई बार दांत दिखते नहीं, उनकी इच्छा है। तो राधा रमन जी की सेवा बड़े प्रेम से होती है और उनको भोजन कक्ष में ले जाया जाता है, अलग से भोजन कक्ष है जहां पर उनको भोग लगाने के लिए लेके जाते हैं दोपहर के समय। और प्रभुपाद जी ने कहा कि हमें सीखना चाहिए राधा रमन मंदिर से किस तरह विग्रह की सेवा करते हैं। और इनके बारे में बताया जाता है कि जब उनको लेकर आए थे दामोदर गोस्वामी और गोपीनाथ गोस्वामी को, गोपीनाथ गोस्वामी बड़े विरक्त वैष्णव थे और वास्तव में सबसे पहले तो गोपाल भट्ट गोस्वामी चाहते थे कि गोपीनाथ गोस्वामी जो है वही सेवा करें राधा रमन जी की, लेकिन उन्होंने विवाह करने से इनकार कर दिया क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी चाहते थे विवाह कर लें। उसका कारण क्या था कि विरक्त होते हैं जो वैरागी होते हैं सन्यासी ब्रह्मचारी, उनका ठिकाना नहीं, अब वो इधर उधर चले जाए, राधा रमन जी का विग्रह सेवा ठीक से होगी पता नहीं भविष्य में, तो चाहते थे अगर ये ग्रस्त बनेंगे एक जगह रह जाएंगे तो इनके वंश में जितने भी आएंगे वैष्णव परिवार में वो सब जो है राधा रमन जी की सेवा करेंगे। आज भी 40 ग्रस्त परिवार हैं जो राधा रमन जी की सेवा करते हैं, सबका नंबर लगता है सेवा का, 40 ग्रस्त परिवार है राधा रमन जी की सेवा में जो राधा रमन जी से जुड़े हुए हैं। और तो इस प्रकार जो है बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। और हम देखते हैं राधा रानी नहीं है राधा रमन जी के साथ, तो क्योंकि महाप्रभु ने बोला था उनको कि आप शालिग्राम शिला की सेवा करना और वही राधा रमन जी के रूप में प्रकट होंगे और ये राधा रमन जी जो है मुझसे अभिन्न है। ऐसा भी बताया जाता है कि श्री रूप गोस्वामी को जो महाप्रभु ने भेजा था, महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को बताया था कि भविष्य में आप चलिए और आप सेवाएं प्रारंभ करिए और भविष्य में वृंदावन में आऊंगा देखने के लिए। तो ऐसा बताया जाता है कि महाप्रभु ही राधा रमन जी के रूप में आए हैं और राधा रमन जी स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही हैं, इस कारण से भी राधा रानी नहीं है साथ में, इस प्रकार से बताया जाता है। तो अब गोपाल भट्ट गोस्वामी, अब जैसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी हमने बताया वो शिष्य नहीं बना रहे थे, लगभग शिष्य ना के बराबर थे, और लोकनाथ गोस्वामी ने शिष्य बनाया, बहुत नरोत्तम दास ठाकुर को बहुत प्रयास करना पड़ा अब, लेकिन दीक्षा कौन देगा, संप्रदाय आगे कैसे बढ़ेगा,
ये परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी, दीक्षा तो देना ही होगा। तो उन्होंने चुना गोपाल भट्ट गोस्वामी को। हालांकि गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने आप को योग्य नहीं मान रहे थे, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी की आज्ञा थी, इस कारण से उन्होंने स्वीकार किया। और फिर उन्होंने सोचा एक व्यक्ति और आवश्यक है इसके लिए, एक और वैष्णव को दीक्षा देनी होगी। तो उन्होंने श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को भी चुना। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को बताया गया कि गौड़ देश से जो भक्त आएंगे उनको वो दीक्षा देंगे, और पश्चिम दिशा से जो आएंगे उनको दीक्षा देंगे गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बहुत लोगों को दीक्षा दी, और उसके बाद दामोदर गोस्वामी ने विवाह करने के लिए वो तैयार हो गए। और इसलिए दामोदर गोस्वामी की वंश परंपरा में आ रहे हैं आज के समय में जितने वैष्णव हैं, जो गृहस्थ परिवार जुड़े हैं, जो राधा रमन जी की सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये चलती है परंपरा। अब उसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी के कई जो शिष्य थे उनमें से एक प्रमुख शिष्य हुए हैं श्रील श्रीनिवास आचार्य। तो श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य हैं, और श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर हम जानते हैं, और श्यामानंद प्रभु जब आए थे तो श्रीनिवास आचार्य को श्रील जी गोस्वामी ने ही बोला था कि आप गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण करें। तो इस प्रकार से ये बताया गया। गोपाल भट्ट गोस्वामी इनका तिरुभाव हुआ था 1586 में, ठीक 100 साल बाद, महाप्रभु के तिरुधान के 100 साल बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव हुआ 1586 में। हाँ, आविर्भाव, क्षमा करिए, महाप्रभु के आविर्भाव के ठीक 100 साल बाद 1586 में श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव हुआ। लगभग समझ लीजिए 86 साल के होंगे उस समय। और राधारमण मंदिर, राधारमण जो घेरा है, राधारमण मंदिर में ही उनकी समाधि है, गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि है। और कवि कर्णापुर ने ये बताया है गौर गणदेश दीपिका में कि गोपाल भट्ट गोस्वामी अनंग मंजरी हैं ब्रजलीला में, या फिर उनको गुण मंजरी भी कहा जाता है, इस प्रकार उनका वर्णन मिलता है। और कई ग्रंथ उन्होंने लिखे, हरिभक्ति विलास जो ग्रंथ है, जो विशेष रूप से सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखित बताया जाता है, लेकिन उसका जो मूल आधार है वो प्रस्तुत किया गया था गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा, और उसी का ही विस्तृत वर्णन किया था शिला सनातन गोस्वामी ने। इसी प्रकार से जो शिला जी गोस्वामी ने षट संदर्भ लिखा, उस षट संदर्भ का भी मूल आधार जो है प्रस्तुत किया गया था गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा। और शिला जी गोस्वामी ने अपने षट संदर्भ के जो मंगलाचरण श्लोक में उन्होंने इस बात को जिक्र किया है, वो लिखते हैं, आई वॉज इंस्पायर्ड टू राइट दिस वर्क बाय रूप एंड सनातन, एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ देयर्स बिलोंगिंग टू द दक्षिणाट्य भट्ट हैड ऑलरेडी कंपाइल्ड दिस वर्क ड्रॉइंग फ्रॉम द ट्रीटाइजेस ऑफ द ओल्ड वैष्णवास विच वॉज इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड एंड अनसिस्टमैटिक नोट्स, आई हैव सिस्टमाइज्ड देम एंड एलाबोरेटेड अपॉन देम। तो यानी कि कहने का मतलब पहले से ही, श्रील जी गोस्वामी कहते हैं पहले से ही जो है दक्षिणाट्य ब्राह्मण यानी गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए कह रहे हैं, और पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार जो है प्रस्तुत किया गया था पहले से ही छठ संदर्भ, उसी को मैंने सिस्टमैटिकली बहुत सुचारू रूप से उसको मैंने प्रस्तुत किया है छठ संदर्भ को। और बलदेव विद्याभूषण ने ये बताया कि जब इसमें बताया गया कि जो पुराने वैष्णव हैं, जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, वो कौन वैष्णव हैं, सो जीव गोस्वामी का कहने का मतलब है वो है रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, श्रीधर स्वामी और श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी। इन वैष्णव आचार्यों का की शिक्षाओं का आधार बनाते हुए ये लिखा गया है, षठ संदर्भ लिखा गया। तो और उसके बाद फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा लिखित है संस्कार दीपिका, और कृष्ण कर्णाम जो बीलमंगल ठाकुर ने लिखा उसके ऊपर भी टीका दी उन्होंने, षट क्रिया सार दीपिका और संस्कार दीपिका। तो इस प्रकार संस्कार दीपिका जो गृहस्थ आश्रम में जो भक्त हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार के जो संस्कार हैं, और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए यहाँ तक कि सन्यासियों के लिए क्या संस्कार है, अवधूत और परमहंसों के लिए क्या संस्कार है, वो सारे संस्कारों का वर्णन जो है इसमें किया गया है संस्कार दीपिका में। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में वर्णन सुनने को मिलता है, और गोपाल भट्ट गोस्वामी से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें ताकि हम भी ठीक से सेवा कर पाएं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? समय तो हो गया है, कोई एक प्रश्न है पूछ सकते हैं, नहीं है तो यहीं विराम देते। सत्यव्रत राम,
हरे कृष्ण। वो हाथ उठा रहे थे इसलिए कि कब फिनिश करेंगे आप। हरे कृष्ण। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील रामचंद्र कविराज तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरी हरी हरे कृष्णा। सबसे अनुरोध है षट गोस्वामी के जो वेदी यहां पर मंच है यहां पर आ जाए, पुष्पांजलि होगी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश
नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्री वार्ष भानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत द्वंद्वहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजायते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते जयतां सुरतौ पंगो मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो राधा मदन मोहन दिव्यवृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमन्राधा श्रीलगोविन्ददेव प्रेष्टालिभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशी वटतटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनेर्गोपिः गोपीनाथ श्रीयेस्तु नः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। अभी सरगोस्वामी उनका प्रणाम तो बोलेंगे और एक एक बार उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के उपरांत आप प्रणाम करें और दोबारा बोलें, ऐसे तीन बार करेंगे। वंदे रूप सनातन रघुयुग श्री जीव गोपाल गौ ऐसा पुष्पांजलि समर्पयामी। जय श्री श्री सरगोस्वामी वृंद की। वंदे रूप सनातन रघुयुग श्री जीव गोपाल गौ ऐसा पुष्पांजलि समर्पयामी। श्री श्री सरगोस्वामी प्रभु वृंद की। वंदे रूप सनातन रघुयुग श्री जीव गोपाल गौ ऐसा पुष्पांजलि समर्पयामी। श्री श्री सरगोस्वामी प्रभु वृंद की। साधु हुल सिंह। संसार दावा ननालीढ लोका त्राणाय कारुण्य घन घन त्वम् गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम्। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम्। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्र माध्यम मन सरसेना रोमांचकं पाश्रु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम्। श्री विग्रहाराधन नित्यनाना श्रृंगारतन मंदिर मार्जनाद युक्तस्य भक्तांश श्री शरणारविंदम्। चतुर्विध श्री भगवत् प्रसाद स्वाज्वल तृप्ता हरि भक्त संघा
भजतस्तदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवाय अपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना प्रतिक्षणास्वादना लोलुपस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् निधिञ्जयो मा रतिकेलि सिद्ध्यै अपेक्षणीया तत्रातिदाक्ष्य अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् उक्तस्तदाव्यत एव सद्भिः किन्तु प्रभूय प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् यस्य प्रसादा भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादा गति कुतोऽपि यस्य प्रसादा
कृपा भूतले मातृभक्ति वेदांत स्वामी कृपा नमस्ते सारस्वती गौरवाणी कारिणेशभारी पाश्चात्यदेशकारिणे प्रसाद की व्यवस्था की गई है एरिया के समीप। हम जिसके बलभद्र प्रभु और उनके टीम का हार्दिक अभिवादन और धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare